गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के कोर गेम प्ले में। आज मैं यहाँ पर घूमने आया था पर अचानक बारिश शुरू हो गई। ओ माय गॉड, ये सामने इतना बड़ा राक्षस कहाँ से आया और इसके आसपास तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। हो सकता है ये पानी से निकलकर यहाँ पर जमीन पर आया हो, कोई तो उसके पास भी नहीं जा रहा। देखो इसका पाँव कितना बड़ा, इससे पहले कि ये सर पर हमला कर दे क्यों ना इसको यहीं पर खत्म कर दूं। चलो मुंह पर उसके बम मार कर उसका काम तमाम कर देते। वो तो अभी तो मेरे को कच्चा निकल जाता पर अचानक उसके मुंह से कौन निकला। ओ माय गॉड, ये सभी तो उसके बच्चे लग रहे हैं। क्यों ना इन सबको मार कर बड़े वाले से पहले इनका काम तमाम कर दूं। ये तो काफी गुस्सा हो गई है, देखो मेरे को कितना मार रहा। ये तो हवा में उछल भी सकता है, देखो मेरे को मारना शुरू कर दिया। पता नहीं सबको छोड़कर मेरे को ही क्यों मार रहा है। Oh no! मेरे को इसका सामना करना होगा नहीं तो वो मेरे को मार डालेगा। हुया! देखो कैसे उठा उठा कर फेंक रहा। इसके साथ तो और भी काफी सारे थे पर पता नहीं सबके सब कहाँ चले गए। वो तो बंदूक की गोली से बच गई या। स्पाइडरमैन, ओह नो। पता नहीं दूर से वो मेरे पर क्या फेंक कर मार रहा है, पता नहीं अचानक वो कहाँ गई या। क्यों ना वापस पास जाकर उस पर दोबारा निशाना लगाऊं, इस बार वो मेरे हाथों नहीं बचेगा। उसके अंदर से तो धमाके हो रहे हैं। ओ भाई साहब, इस बार तो उसका काम तमाम हो गया। क्यों ना बड़े वाले के पास जाकर उसका भी काम तमाम कर दूं। पर यहाँ तो और भी छोटे राक्षस है, देखो कैसे लोगों पर हमला कर रहे। मेरे को इसके हाथों सबको बचाना होगा। वो तो एक एक करके सबको मारने लग गया। देखो ट्रेवल को भी मार दिया। अब एक बात समझ नहीं आ रही, सबको मैं बचाऊं कैसे। चलो उसके पैरों पर निशाना लगाते हैं। लगता है इस बार उसकी मौत हो गई। पर वापस से इसके मुंह से निकल के आ रहा है। ओहो, लगता है उसके दूसरे बच्चे बाहर निकल आए और ये तो एकदम उसके जैसे लग रहे हैं। मैं इनका सामना नहीं कर सकता, अच्छा होगा यहाँ से दूर भाग जाऊं क्योंकि हो सकता है उसके अंदर से उसकी पूरी की पूरी सेना बाहर निकल आए। चलो इसको लेकर समुद्र के रास्ते से निकलते हैं क्योंकि ये जमीन पर चलने के साथ साथ पानी के अंदर भी आसानी से चल सकती है। ओ माय गॉड, वो तो पानी के अंदर आ गई है और उछल कर मेरे सामने कूद गई है। ये तो मेरे को कच्चा चबा जाएगा। चलो वापस से पानी से बाहर निकल कर जमीन के रास्ते से यहाँ से भागते हैं। पर गई वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कार तो पेड़ से ठुक गई। क्यों ना उस चोपर को गोलियां मार कर यही समुद्र किनारे लैंड करवा दूं। ओ भाई साहब, उसके अंदर तो धमाका हो गई या, पता नहीं अभी ये उड़ पाएगा भी या नहीं। धत तेरी की, आग लगने पर भी ये आसानी से उड़ रहा है। देखो हर तरफ आग लग गई, इससे पहले कि ये हवा में फट जाए क्यों ना यहाँ से शहर की तरफ निकल जाऊं क्योंकि वहाँ पर काफी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मेरे को चोपर से कूदना पड़ा क्योंकि उसके अंदर धमाका होने वाला था, पर अच्छा हुआ उसमें मेरे को पैराशूट मिल गया। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैं उसको नीचे छोड़कर ऊंचाई पर काफी आ गई है। क्यों ना यहाँ से बॉम्ब फेंक फेंक कर उसका सिर फोड़ कर उसको खत्म कर दूं। पर वो तो उछल कर देखो यहाँ पर इमारत पर भी आ गई है। मेरे को यहाँ से कूदकर कहीं और जाना होगा। अचानक से पैराशूट को क्या हुआ, वो हवा में कैसे फट गई है। अब तो इसके हाथों मेरे को कोई नहीं बचा सकता, देखो कैसे उठा उठा कर फेंक रहा। चलो जल्दी यहाँ से कूद कर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, मैंने तो मिस कर दी। देखो गाइस वो तो ट्रेन का पीछा कर रहा है, क्यों ना उसको यहीं से मार कर जान से खत्म कर दूं। ऐसा करता हूँ उसके पैरों पर मारता हूँ क्योंकि हो सकता है वो उसके शरीर की सबसे कमजोर जगह हो। ओहो, चलो गाइस जल्दी यहाँ से उतर कर उसके पास चलते हैं क्योंकि शायद वो मर चुका। देखो सामने जमीन पर कैसे लेटा हुआ है, अब कभी वापस उठ नहीं पाएगा।
होगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।